अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज इमोशनल्स। और आज हम दो कलर की बूटीज बनाएंगे। इसके लिए मैंने 4 प्लाई वूल ली है और नीडल्स जो हैं वो 3.25 mm है और इसे 10 नंबर नीडल भी कहते हैं। चलिए जल्दी से हम इसमें फंदे डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। इस बूटी का साइज जो है फ्रेंड्स वो 6 और 7 नंबर है, तो बड़ा छोटा आप बना सकते हो। तो इस तरह से वूल को मोड़ कर हम फंदे बना लेंगे और 24 फंदे हमें बनाने हैं। चलिए अब हम इसकी बुनाई करते हैं। बुनाई हमें सीधी सीधी करनी है। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनना शुरू करेंगे। बड़े साइज के लिए आप 28 फंदों से शुरू करिएगा और छोटे साइज के लिए आप 22 फंदों से शुरू करिएगा। लास्ट का स्टिच हमें यूं उल्टा करके बुनना है। एक रो और बुनेंगे सीधा सीधा और फिर कलर चेंज करेंगे। ये 2 रो हमने बुन लिए हैं। कलर हमें दूसरे फंदे से लगाना है, फर्स्ट फंदे को बिना बुने ही उतारना है। और साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो इसके 2 रो कंप्लीट करते हैं। 4 रो हो गए हैं। अभी फिर से हमें क्रीम कलर के साथ बुनाई करनी है और फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनाई शुरू करेंगे। इसके भी 2 रो हम बुन लेंगे। तो इसके 2 रो में बुन लेती हूँ। अभी 1, 2, 3, 6 रो हो गए हैं। अभी हम 7वां रो बुनेंगे। जब हमें 7वां रो बुनना है तो उसके लास्ट में हमें फंदों को बढ़ाना है। जब हम 8वां रो शुरू करेंगे ना तो 5 फंदे हम एक्स्ट्रा बुनेंगे, यानी कि 7वां रो कंप्लीट होने के बाद हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। ये लास्ट का स्टिच है। अभी हमारे टोटल रो 7 हो गए हैं और इस तरह से चेंज करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बढ़ा लेने हैं और फिर बुनाई शुरू कर लेनी है। जैसे हम बुनते आ रहे हैं वैसे ही बुनना है। यहाँ पर हमें फर्स्ट फंदे को निकालना नहीं है, बुनना है, क्योंकि अभी हमने फंदे बढ़ाए हैं। अगर फंदे टाइट हो तो ऐसे उंगली की मदद से आपको उसको ढीला कर लेना है, तो फिर ये आसानी से नीडल जो है उनके अंदर चली जाएगी। ये 8वां रो है। 8-8 रो को हमें बुनते जाना है और एक एक कॉर्नर बनाते जाना है। हर 7वें रो को पूरा करने के बाद 5 फंदे बढ़ा लेने हैं और 8वां रो बुनकर उसके बाद रो को गिनना है। तो ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अभी फिर से हमें 7 रो बुन लेने हैं। यहाँ पर अभी हम
क्रीम रंग के साथ दो रो बुनेंगे, फिर इसके साथ दो रो बुनेंगे, फिर क्रीम के साथ दो रो बुनेंगे और फिर से हम इसके साथ बुनकर फंदे जो है आगे बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पर 6 रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी टोटल रो जो हैं वो 14 हो गए हैं और ऊपर मैंने 6 रो बुने हैं। अभी 7वां रो जब हम बुनेंगे फिर से हमें यहाँ पर फंदे 5 बढ़ा लेने हैं। लास्ट का स्टिच आपको उल्टा करके ही बुनना है और इस तरह टर्न करके ही आपको फंदे बढ़ाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं और यहाँ पर हमें फंदे को स्किप नहीं करना, ये याद रखिएगा। इसको पहले फंदे को बुनना है, नहीं तो फिर आपके जो है ये वाला फंदा जो है वो सही नहीं रहेगा अगर आप बुनेंगे नहीं तो। अभी हमारा ये 8वां रो कंप्लीट हो जाएगा और टोटल रो जो हैं वो 16 हो गए हैं। तो ऐसे ही आपको बुनाई करनी है, इस तरह से ये कॉर्नर बनना शुरू हो जाएंगे। ये 2 बन गए हैं, तो ऐसे ही इस साइज के लिए हमें 6 बनानी है। अगर आपको बनाना है इससे बड़ा साइज 8 और 9 साइज, तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे 28 फंदे और ये जो कॉर्नर है एक और बढ़ जाएगा, तो उसमें आप बनाएंगे 7 कॉर्नर, ठीक है। और अगर छोटा साइज बनाएंगे 4 और 5, यहाँ पर 22 फंदे आएंगे और एक कॉर्नर आपको कम कर देना है, उसमें 5 कॉर्नर बनेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही हम इसको आगे जो है वो बुनते चले जाएंगे और मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 46 रो हो गए हैं। अभी हम एक ही कलर के साथ बुनाई करेंगे और यहाँ पर हम क्रीम रंग के धागे को कट कर देंगे और आगे सीधा सीधा जो है बुनाई करेंगे। अभी हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो यहाँ से देखें फंदे हमारे 49 हो गए हैं और आगे अब हमें और फंदे नहीं बढ़ाने, इसीलिए सीधा सीधा बुनते हुए इसे आगे की बुनाई कंप्लीट करेंगे। लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनेंगे और जब रो को हम शुरू करेंगे तो ये जो धागा हमने यहाँ पर कट किया है ना, इसे साथ ही साथ हम फोल्ड भी कर लेंगे। तो ऐसे ही बुनाई को जारी रखेंगे हम आगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 31 रो बुने हैं और एक बार ये लाइनें भी हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इस तरफ है, 7 इस तरफ है। अभी हम व्हाइट कलर को यहाँ पर लगाएंगे और सेम जैसे हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉर्नर बनाए हैं ना, ऐसे ही आगे हम 6 कॉर्नर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने फंदों को बढ़ाया था, यहाँ पर हम फंदों को कम करेंगे 5-5 फंदों को। तो यहाँ से फिर से हमें क्रीम रंग को लगा लेना है और साथ ही साथ धागे को फोल्ड भी कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे हम 7 रो बुनने के बाद फंदे बढ़ा रहे थे, अभी हमें 7 रो बुनने के बाद फंदों को कम करना है
और लास्ट का जो स्टिच है हमें उल्टा करके ही बुनना है, जैसे कि मैं अभी दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पर देखें, जैसे नीचे ये लाइनें 1, 2, 3, 4 नज़र आ रही हैं, ऊपर भी सेम ऐसे ही नज़र आएंगी। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। मैंने यहाँ पर 7 रो कंप्लीट कर लिए हैं और जब हमें 8वां रो बुनना है तो यहाँ पर हमें फंदों को कम करना है। फर्स्ट फंदे को निकाल लेना है और अगले फंदे को हम बुनेंगे। पीछे के फंदे को इस तरह से उठाना है और आगे के फंदे को उसके बीच में से निकाल देना है। 1, 2, 3, 4 5, ये 5 फंदे हमने कम कर लिए हैं और बाकी हम बुन लेंगे। याद रहे ये 8वां रो है, जब हम 8वां रो डालेंगे कलर चेंज करने के बाद तब हमें शुरू में ये 5 फंदे जो हैं वो कम कर देने हैं। ये देखें 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो 8 रो कंप्लीट जब हो जाते हैं, यहाँ पर हमने बढ़ाए थे और यहाँ पर हमने कम किए हैं। तो अब हम ऐसे ही करते जाएंगे, 7 रो बुनेंगे और 8वीं रो के शुरू में हम जो है फंदे कम करते चले जाएंगे। और जब हमारे पास यहाँ जितने फंदे हमारे पास थे 24, तो 24 फंदे जब हमारे पास बच जाएंगे और ये कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन जाएंगे, ठीक है, तो हम फंदों को फिर बंद करेंगे। तो ऐसे ही सेम हमें यहाँ पर दोहरा लेना है, बस यहाँ पर हमें फंदों को कम करना है और ऐसे ही आगे हम इसको बुनेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बता। ये कंप्लीट हो गया है। अभी मैंने ये जो धागा है इसको कट कर लिया है, स्टिचिंग जितनी करनी है उतना रख करके। और यहाँ पर देखें ये वाला जो एरिया है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 रो यहाँ मैंने कंप्लीट किए हैं, उसके बाद 9वां रो जो है वो बुना है और 10वां इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रो जो है जब हमने फंदे डाले थे ना, तो इसीलिए ये वाला एरिया जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम गिने 1, 2, 3, 4, 5 ही लाइने बनती है और 5 ही यहाँ पर भी बन जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए 2 रो यहाँ पर एक्स्ट्रा डाले जाते हैं। तो यहाँ से अब हम बंद करेंगे इसको और धागा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बंद करने का तरीका सेम वही है जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया है। एक फंदे को दूसरे फंदे के बीच में से निकाल देंगे और पूरे 24 फंदे हैं ये, इसे बंद कर देंगे। अभी ये धागा भी हम एक्स्ट्रा रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रोशिया भी करेंगे, तो इसी धागे के साथ हम कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा कट कर लेना है और इसी के बीच में से सारे जो धागा है उसे पास कर देना है। तो इसी के साथ हम क्रोशिया भी कर लेंगे। अभी हम करेंगे इसकी स्टिचिंग और ये वाले धागे के साथ हम स्टिच करेंगे और इसके साथ क्रोशिया करेंगे। तो सीधी साइड से हम इसको स्टिच करेंगे, ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है। यहां से यहां तक और ये वाला जो एरिया है
यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और उसके बाद ये, ठीक है, तो ये वाला एरिया खुला रहेगा। सीधी साइड से सिलेंगे, ये जो स्टिच हैं इनका ये आधा पार्ट हमें लेना है, ये वाला जो इस साइड की तरफ है, और ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और कलर वाइज स्टिच जो है वो हम एक दूसरे के साथ मिलाते जाएंगे। ये देखें यहाँ से स्टिच को ऐसे उठाएंगे, और यहाँ से ऐसे, ऑरेंज है, ऑरेंज स्टिच को ऑरेंज के साथ और क्रीम को क्रीम के साथ। दोनों तरफ से इसी तरह हम स्टिच को उठाते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको सिलना। इस तरह सिलने से जो है दोनों साइड से फिनिशिंग अच्छी आएगी, जो बुनाई हमने की हुई है वो एकदम एक दूसरे के साथ जो है लाइनें मिल जाएंगी। इसको खींच देना है, ज़्यादा नहीं खींचना, ये देखिए ऐसे। अभी देखें ये लाइन के साथ लाइन जो है वो मिल गई है, और इसी तरह इसको स्टिच करेंगे यहाँ तक। ये मैंने स्टिचिंग कर ली है और लास्ट के ये स्टिच हैं, तो जहाँ से सेम वैसे ही हम स्टिच उठा रहे हैं जैसे हमने ऊपर स्टिच उठाए थे, और एंड के दो या तीन स्टिच जब बच जाएंगे तो सुई को उसके बीच में से पास करके धागे को खींच देना है और नीचे की तरफ जो है सुई को ले आएंगे उल्टी तरफ, इस तरह से। अभी हम बैक स्टिचिंग करेंगे थोड़ी सी, और धागे को धागे के बीच में से पास करके पक्का कर देंगे। तो ये एक साइड की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। अभी हम इस साइड की स्टिचिंग करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, और इसको हम इस तरह से उल्टी साइड से जो है धागे को शुरू करेंगे बिल्कुल सेंटर से, और स्टिच हमें वैसे ही उठाने हैं, कोई फ़र्क नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है दोनों साइड से स्टिच जो है उठाते जाएं। एक साइड से सुई को जिस डायरेक्शन में आप निकालेंगे तो दूसरे स्टिच के जब निकालना है ना तो उसको दूसरी डायरेक्शन में निकालना है। वैसे आप उल्टी साइड से भी इसको सिल सकते हैं अगर आप लाइन के साथ लाइन मिलाते हुए स्टिच करेंगे, तो उल्टी साइड से सिलकर भी फिनिशिंग अच्छी आएगी, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा जो है वो हमें सीधी साइड से सिलने से ही ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए मैं सीधी साइड से सिलना ही ज़्यादा अपनी वीडियो में बताती हूँ। आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको सिल सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि सीधी साइड से सिलना ज़्यादा आसान है। तो ऐसे ही हम इसको सिलते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे और धागे को खींच देंगे। जहाँ पर कॉर्नर होगा ना वहाँ पर हमें धागे को दो तीन बार घुमा लेना है, क्योंकि यहाँ से जो है हमें ज़्यादा इसको पक्का करना है ताकि ये खुले नहीं। धागे को खींच देंगे
ये देखें, ये इस तरह से बिल्कुल सही स्टिचिंग आ गई है। अभी कॉर्नर है, कॉर्नर पर हम धागे को दो बार या तीन बार इसको घुमा देना है। अगर थोड़ा सा आपको स्टिच कहीं से खुला नज़र आए तो अगले स्टिच के बीच में से सुई को निकाल लेना है। तो इस तरह नीचे की तरफ धागे को लेकर आएंगे और यहाँ पर फिर से धागे के बीच में से धागे को निकाल कर पक्का कर देंगे ताकि जहाँ हमने इसको जोड़ा है कॉर्नर को वहाँ से हिले नहीं। अब हम धागे को ऊपर की तरफ लाने के लिए स्टिच में से सुई को घुमाएंगे ऐसे, और धागे को ढीला रखना है, टाइट बिल्कुल भी नहीं करना। ये ऊपर के कॉर्नर को भी हम वैसे ही सिलेंगे। यहाँ पर दो तीन बार जो है धागे को निकालेंगे। थोड़ा सा अभी अगर आपको फिनिशिंग में लगे कि जो है धागा थोड़ा स्टिच के बीच में से स्टिच जो है होल नज़र आ रहा है तो थोड़ा आगे स्टिच में से सुई को निकाल लीजिएगा, ज़्यादा पीछे नहीं करना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आ गई है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल नीचे की तरफ ले आएंगे और इसको पक्का कर देंगे। कई बार स्टिच जो है वो हमारा ढीला रह जाता है तो जब हम उसको सिलते हैं ना थोड़ा सा वहाँ होल नज़र आता है, तो उसको करने के लिए उसके पास ही जो स्टिच होता है उसके बीच में से आप निकाल लीजिएगा। अभी फिर से हम पीछे के स्टिच के बीच में से उल्टी तरफ से ये कर रहे हैं, सीधी तरफ से नहीं है, उल्टी तरफ से हम धागे को घुमाकर ऊपर की तरफ लेकर आए हैं। ये बिल्कुल ढीला रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टिच में किस तरह से जोड़ रही हूँ। ये देखें बिल्कुल कॉर्नर का स्टिच आपको उठाना है, बिल्कुल कॉर्नर से एक दूसरे के साथ मिलाना है, फिर ये ऐसे शेप बहुत अच्छी आएगी। आप चाहे तो ऐसे उंगली बीच में रख कर भी सिल सकते हैं ताकि आपको सही से पता चल सके। तो यहाँ पर देखें छोटा सा होल है, मैं आगे के स्टिच के बीच में से निकाल रही हूँ तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप अपनी जो सिलाई है उसे ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ऊपर के कॉर्नर भी सिल लेंगे। यहाँ तक मैं इसको सिल लेती हूँ। ये देखें जी, मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और ये दिखने में इस तरह से नज़र आता है। और यहाँ पर हम धागे को पक्का कर देंगे और स्टिच के बीच में से निकाल कर धागे को कट कर देंगे बस। अभी ये जो धागा है इसे आप कट भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर चाहें तो आप इसको इसी तरह रख सकते हैं, या फिर आप क्रोशिया ले लें 2.5 mm और इसमें सिंगल क्रोशिया कर लें सिंपल सा, तो ऊपर से थोड़ा सा लुक जो है इसका चेंज हो जाएगा। ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो स्टिच है इसको ढीला ही रखना है, टाइट नहीं करना, नहीं तो अगर आप जो है जब पैर में डालेंगे ना तो फिर मुश्किल होगी। टाइट स्टिच बिल्कुल नहीं करना और इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। स्टिच के बीच में से करें या ऊपर से करें, जैसे भी आपको सही लगे कर लें, या फिर इसको यहीं पर कट कर दें और करने की आगे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे इसका ऊपर का लुक जो है वो नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर चेन सी नजर आएगी। तो ऐसे आप राउंड कर भी सकते हैं या फिर इस धागे को यहीं पर कट भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी ये अच्छा लगेगा। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक,
फिर आपको दिखा। ये देखिए जी, ये राउंड कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर आपको बंद कैसे करना है, ये जो स्टिच है इसके बीच में से ऐसे इसको निकालें और स्टिच के बीच में से स्टिच को निकाल दें। और नीचे की तरफ यहाँ पर जितने भी स्टिच हैं उनके बीच में इस धागे को घुमा दें। अभी ये रेडी है पहनने के लिए। यहाँ पर आप कोई भी डेकोरेटिव चीज लगा सकते हैं, यहाँ पर पर्स भी लगा सकते हैं तो वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर इसको आप ऐसे ही पहन सकते हैं। तो आइए अब हम इसको पहनकर देखते हैं। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।